गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपको डे टू फ्रॉम कुर्ग। भाई नज़ारा देखो होटल से, कितना मस्त नज़ारा है। उस दूर पहाड़ में वहाँ पर वो सारे पहाड़ हैं, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं, एकदम मस्त सा बादल है। तो और मेरा भी मन करता है कि ऐसा फ्लैट व्लैट मत खरीदो शहर में, ऐसे ही पहाड़ों के बीच में घर खरीदो, ताकि सुबह जब उठो ऐसा नज़ारा देखो, मस्त फ्रेश एयर का इंजॉय करो और आराम से रहो, पोल्यूशन वोल्यूशन का कोई टेंशन नहीं है। खैर वो तो बहुत किस्मत वाली बात है। अभी सुबह का 7 बज चुके हैं। हमारा प्लान था मंडलपट्टी जाने के लिए, पर कल तक तो जो होटल का ओनर था, ओनर नहीं जो काम करते हैं, वो बोला था कि हम लेके जाएंगे। फिर रात को आकर बोला कि भाई आज 26 जनवरी, इतना लोग ने बुक किया है कि फाइनली कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कल करो। ठीक है, हम कल ही करेंगे, आज नहीं तो क्या कल करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ यहीं का छोटा बड़ा जगह घूमने जाएंगे, जैसे कि दुबारा एलिफेंट ट्रेनिंग कैंप, अबे फॉल्स, और देखते हैं कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। अभी तो भैया जी को बोला कि एक मस्त चाय बनाओ, तो बोले ठीक है बना देंगे, तो अभी चाय पियेंगे और एंजॉय करेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं एबी फॉल्स। एबी और अबे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर गूगल पर लिखा है ABBAY और कहीं पर लिखा है ABBI। तो हमारा होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर है, पर रोड काफ़ी वाइंडिंग है, सुंदर है, बहुत शानदार रोड है, और अप्स एंड डाउन हिल दोनों ही हैं, तो बड़े मज़ेदार रोड है। फेमस फूड स्पाइसेस एंड वाइन्स से, बनाना वाइन, जिंजर वाइन, कल मैंने पूछा था लगभग 650 से 850 रुपये का रेट है। ये होम मेड वाइन्स है यहाँ पर, एप्पल वाइन, बनाना वाइन, विनीगर वाइन, और यहाँ पर स्पाइसेस भी बहुत बढ़िया मिलता है, मेथी, सरसों, लौंग, इलायची, अंजीर, पता पड़े इसको केजी 2400 निभी, और कैशूज भी है। देखिए छपा हूँ मैडम, मैडम ये लो मालिक का टाइम में याद रहेगा, ये लो अंजीर ड्राइड फिक्स। तो फॉल्स को भी पूरा कमर्शियलाइज बना दिया, 50 रुपीज और 10 रुपीज। काफ़ी प्लांटेशंस, ऐसे तो काफ़ी प्लांटेशंस हमारा होटल का पीछे ही है बहुत। और इधर कहीं भी चले जाओ, चिकमंगलूर या तो सकलेशपुर, आपको काफ़ी प्लांट्स से बहुत भर के मिलेगा। आशो, ये है अभी फॉल्स। मैंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कितना पानी होगा, जनरली मौसम मतलब बारिश के टाइम में ज़्यादा पानी होता है, पर अभी तो काफ़ी पानी है यहाँ पर। एक टूटा फूटा ब्रिज भी है। देखिए नहीं जाओ मैंने, बोले बोले बोलो एक नहीं जाओ जब ना अब क्या बता मेरी रिश्ते लोग। We are at the Madikiri Fort and a museum.
But the museum is unfortunately closed today because it's 26th of Jan and the people here told us that we cannot visit the museum but we can look at the fort from the outside. So we're gonna do that. Here is the museum. It's a beautiful historical place. Sad that we cannot go inside the museum. So ये है मदिकेरी फोर्ट और मदिकेरी में ही है जहाँ से हम लोग अभी पहुँचे हैं वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है तो इसको बोलते हैं मरकरा फोर्ट 17th सेंचुरी में रीबिल्ड हुआ था बाई टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान का ही ये वन ऑफ द फोर्ट बहुत सारा फोर्ट उसने बनाए थे बट ये वन ऑफ द फोर्ट है आज 26 जनवरी है तो इसलिए म्यूजियम बंद है अभी ये फोर्ट के अंदर है मंदिर भी है यहाँ पर कुछ खास तो नहीं लग रहा है फोर्ट सभी टूटा फूटा है जो भी था एक म्यूज़ियम वो भी बंद है देखते हैं आगे वहाँ पर शायद एक व्यू पॉइंट है तो वहाँ का चल के देखते हैं इधर कुछ नया बना रहे हैं क्लॉक टावर टाइप है वहाँ पर और एक चर्च है अंदर मंदिर है अच्छा बात है चर्च मंदिर मस्जिद एक साथ देखिए यूपी का मायावती का हाथी पार्क पर याद आ गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ना बट ओनली प्रॉब्लम इज इट इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड सब कुछ टूटा फूटा है दिस फोर्ट वॉज एक्चुअली रीबिल्ड बाई टीपू सुल्तान ओरिजिनली देयर वाज सम किंग सम आई रेड इट इन विकी बट आई फॉरगॉट ओके 18th सेंचुरी कैनन प्लेस मदिकेरी ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ओल्ड तो ये निसर्ग धामा है और हम लोग ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया बाहर खाने के लिए इधर बहुत कुछ खाने का दुकान ऑलरेडी है शायद यहीं पर उसने रुक के खाना चाहिए था चलो ये निसर्ग धामा में सारे शॉप्स हैं ये निसर्ग धामा में टिकट काउंटर भाई बहुत टिकट चार्जेस है 60 रुपीज़ पर पर्सन कुछ ज़्यादा ही महंगा है मतलब मेरे लिए तो ठीक है पर बहुत लोग अगर इधर घूमने आ रहे हैं जो इतना एडवांटेजियस पोजीशन में नहीं है मेरा जैसा तो उसके लिए तो महंगा ही है किंग ब्रिज ऑफ निसर्गधामा नीचे ये कावेरी नदी है और उधर आगे बोटिंग चल रहा है नदी में तो काफ़ी फिशेस हैं ये देखो बहुत बड़े बड़े फिश हैं ये लक्ष्मण झूला जैसा है बहुत हिलता है ये ब्रिज मुझे बाप रे ब्रिज बहुत हिल रहा है तो अभी हम लोग हैं निसर्गधामा निसर्गधामा मदिकेरी से 30 किलोमीटर दूर कुशालनगर में है और यहाँ पर काफ़ी गर्मी है वैसे तो इस निसर्गधामा में इतना गर्मी नहीं है क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है बट वैसे तो कुशालनगर में काफ़ी गर्मी है और निसर्गधामा एक बेसिकली आइलैंड है जो कि कावेरी नदी के ऊपर है तो अभी हम लोग दोपहर के टाइम में आए हैं गर्मी में झुलस गए हम लोग यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है निसर्गा फैमिली रेस्टोरेंट हम लोग ने इधर उधर घूम के उधर भी एक रेस्टोरेंट है और बाहर भी बहुत रेस्टोरेंट है हम लोग ने इधर उधर घूम के काफ़ी मेहनत करके रेस्टोरेंट मिला वैसे तो रेस्टोरेंट बहुत था पर हम लोग ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाया और दूर चले गए बट यहाँ पर काफ़ी रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑनेस्टली यहाँ पर अभी तक मुझे कुछ खास नहीं लगा सिर्फ बैम्बू फॉरेस्ट ही है
ऐसे बैम्बू फॉरेस्ट मेरे घर के पीछे भी है। हाँ, बोटिंग है वो एक देखने वाला जगह है जहाँ पर बड़े बड़े फिश है, और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और उसके लिए 60 रुपीज़ का टिकट तो और भी मुझे एकदम वैल्यूएबल नहीं लग रहा है। शायद कुछ और हो, आगे जाके देखते हैं। पर बर्ड पार्क भी है, अरे इसके लिए भी 30 रुपये, ये तो नहीं दूंगा मैं। बर्ड्स देखने के लिए 30 रुपये तो नहीं दे रहा हूँ मैं। आगे चल के देखते हैं क्या है। ट्री हाउस, ओके, जिप लाइन, विच इज़ ऑल्सो चार्जेबल, नॉट फ्री बाय द वे। एंड व्हाट इज दिस, ओके, जिप लाइन का 20% डिस्काउंट। डियर पार्क, वहाँ 2 रुपये कुछ डियर्स है। और ये रही कावेरी रिवर, पानी तो थोड़ा कम है, आगे थोड़ा पानी था। इस पार्क में अगर कुछ अच्छा है तो ये कावेरी नदी का एरिया है, बहुत सुंदर है, शैलो वाटर। हम लोग आए हैं दोबारा एलिफेंट कैंप। यहाँ पर एलिफेंट कैंप नहीं, एक्चुअल ट्रेनिंग सेंटर है। ये एलिफेंट ट्रेनिंग सेंटर मैसूर के दशहरा फेस्टिवल के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है दशहरा फेस्टिवल के लिए। तो ये कावेरी रिवर है, और कावेरी रिवर की उस पार में ट्रेनिंग होता है एलिफेंट्स का। वो दूर में जो लोग पैदल चल चल के जा रहे हैं रिवर क्रॉस करके, तो ऐसे जाना पड़ेगा उस पार। और ये रही कुछ रिवर राफ्टिंग के लिए बोट्स, तो पर हेड 300 रुपये हैं। यहाँ पर रिवर तो काफ़ी फोर्स में आ रहे हैं, और पानी भी थोड़ा गहरा है, पता नहीं कैसे क्रॉस करेंगे रिवर। यहाँ पर ऐसा सीमेंट का बोरिया डाला है, जिसके ऊपर चढ़ चढ़ के लोग जा रहे हैं। पता नहीं कुछ सिस्टम होना चाहिए रिवर क्रॉस करने के लिए, ऐसे लोग कैसे जाएंगे, ये तो पूरा पानी से पैर ही भीग जाएगा। कम कम ऐसा पानी काफ़ी गहरा है, काफ़ी फोर्स से बह रहा है। इस पानी में दोबारा गिरते गिरते मैं बच गया। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इसी रास्ते से वापस आने वाला है। तो कैसे कैसे रोड रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। वेरी स्लिपरी। स्टिकिंग टू दिस इज अ बेटर आइडिया, ये स्लिपरी नहीं है, बाकी रॉक से वेरी स्लिपरी। रूपा, हाउ इज द एडवेंचर? वेरी फन, वेरी रिस्की ऑल्सो। चलो 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 चलो, ಫೈನಲಿ ರೂಪಾ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಗೇನ್। ಫೈನಲಿ ರೂಪಾ, ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಅಗೇನ್। ನಾ ಬಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆ जायंट सक्शन क्या ना, तो बीच है।
చెప్పాలి గా నువ్వు చెప్పాలి నువ్వు నా దగ్గర తీసుకెళ్ళలేదు అన్న బస్ బుక్ కూడా जैम लग गया यहाँ पर आते वक्त तो आ गए जाते वक्त भी मुश्किल हो रहे चलो चलो तो एलिफेंट सब कम ना फॉर टेकिंग अ बाथ व्हाट डू यू थिंक इज इट वर्थ कमिंग हियर व्हाई एलिफेंट कैंप से हम लोग लगभग 7 बजे आ गए बहुत टायर्ड हो गए थे तो हम लोग कहीं नहीं गए इधर ही बैठ गए अपना रिसोर्ट पे एक बार मस्त बारबेक्यू लगाए हैं और फायर कैंप मतलब बॉन फायर लोग इंजॉय कर रहे हैं और आज तो काफ़ी लोग भी आए हैं कल एक दो गाड़ी था आज तो गाड़ी तो भर गया यहाँ पर पार्किंग लॉट तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ मिलते हैं कल मंडलपट्टी से शायद हम लोग कल जा पाएंगे अगर कैंसिल नहीं हुआ तो टिल देन टेक केयर बाय एंड गुड नाइट